नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, प्रणाम। हमारे चैनल में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या आज बनाने जा रही हूँ। और जो मेरे वीडियो में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो हम दिखाते हैं आप लोगों को कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या बना रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आज इसी का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हैं, ये लाल वाला साग है जो हमारी बेटी खरीद के लाई है, वो अथी ठेला पे बिकने आया था। तो एक केजी ये साग है, तो मैं किस तरीके से साग बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हमारी बड़ी बेटी देखिए बेचारी बना रही है कितना अच्छा से। हाय कीजिए काजल। तो ये देखिए, हम बोलते हैं दोस्तों कि हमारी बेटियाँ बहुत मदद करती हैं, मम्मी का पढ़ाई भी करती हैं और ये सब काम भी कुछ कुछ कर देती हैं। और हमारी छोटी बेटी भी यहाँ पे कर रही हैं। हाय कीजिए बेटी। हाय दोस्तों। तो ये देखिए, ये भी बना रही हैं। और हमारे बेटा जो वहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं, ये सवेरे सवेरे उठकर अब पैसा मांग रहे हैं बिस्कुट लाने के लिए। तो दोस्तों, ये रोज़ पैसा मांगते हैं, रोज़ पैसा कहाँ आएगा, लॉक कहाँ से आएगा। लॉकडाउन में तो इनके पापा बैठे हुए हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं, दो वक्त का रोटी भी जुटाना मुश्किल हो गया है लॉकडाउन में। तो आप लोग ही बताइए कि मैं क्या करूं, हमारे बेटा जी इतना बदमाश हैं। हाय कर दीजिए क्रिस। तो ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये पीढ़ा बैठने वाला जो है, ये सारे लेकर कड़ी कर रहे हैं और ये बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इस देखिए, हमारी बेटी उतना झाड़ ली है, तोड़ ली है, उसको मैं पहसुल से काट लूँगी। और तो आगे मैं दिखाऊँगी आप लोगों को, वीडियो में बने रहिएगा। तो सब मैं कर लेती हूँ। एक चीज़ मैं दिखा दे रही हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये है तरबूज। तो मैं बताई थी कल के वीडियो में कि हमारे बेटा जी गए हैं नानी यहाँ, वो अपने पापा के साथ। तो मैं एक वीडियो भी डाली हूँ तरबूज का, जो हम लोग के हमारे मायके के नज़दीक ही दियर है, वहाँ पे बहुत सारा तरबूज होता है। तो ये हमारी मम्मी तरबूज भेजी है, तो 6 तरबूज थे, तो सारे तरबूज खा गए हमारे बच्चों, तो एक तरबूज बचे हुए हैं तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो कल 6 तरबूज हमारे बेटा जी लेके आए थे अपने पापा के साथ, तो यही एक तरबूज बचा हुआ है और सारे तरबूज खा गए। तो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि किनको किनको तरबूज पसंद है। तो चलिए मैं चलती हूँ साग बनाने। अब देखिए दोस्तों, साग को मैंने धोकर काट कर धो ली हूँ बहुत अच्छे से, 2-3 पानी से। और कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा ली हूँ और यहाँ पे मैं लाल मिर्चाई काटी हूँ, तो सबसे पहले मैं इसे डाल देती हूँ। और अब मैं डाल देती हूँ तेल। तो ये देखिए दोस्तों, मैं तेल डाल दी हूँ, मिर्चाई मेरा कलर चेंज हो गया है। तो मैं सबसे पहले प्याज भून लेती हूँ। तो प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा प्याज का कलर चेंज हो गया है और मैं साग में डालूंगी मसूर का दाल। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मसूर का दाल है। तो मेरा प्याज भून गया है, तो मैं इसमें अब साग डाल देती हूँ।
को डालकर और अच्छे तरह से चला लेती हूँ। इसके आगे मैं दिखाती हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए मेरा साग गल गया है, तो अब मैं डाल देती हूँ दाल। तो दाल को मैं धो ली हूँ और अब डाल देती हूँ दाल, देख सकते हैं आप लोग। और दाल को डालकर अच्छी तरह से चला लेती हूँ। उसके बाद मैं नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। तो हमारे बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो देखिए मैं सारा चीज़ डाल ली हूँ, नमक भी डाल दी हूँ। अब पानी डालकर ढक्कन लगा देती हूँ। और इसको 5 मिनट तक पका लेती हूँ अच्छी तरह से। देख लीजिए मेरा साग बनकर तैयार है, लाल वाला साग, दाल डाला हुआ। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा साग बनकर तैयार है, चावल के साथ खाइए। तो ये देखिए, तो मैं कलछुल के सहारे इसे और भी अच्छी तरह से दाल को मिला देती हूँ। और ये मैं बनाई हूँ आलू का चोखा बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए हमारी बेटी आम का चटनी बनाएगी गुड़ डालकर, बहुत अच्छा लगता है खाने में, खट्टमीठ। तो साग का रेसिपी मेरा कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का रेसिपी साग। तो आज तक इतना ही, मिलती हूँ कल के वीडियो में। बाय बाय।